गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट ईयर्स, चैप्टर नंबर 5 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम आते हैं टाइम टू रिवाइज फर्स्ट, ओके। जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको रिवीजन करना है उनका, ओके। साथ में आप लोग जो है अपनी बुक जो है वो फिल करते हुए जाना, ओके बच्चों, क्लियर। फर्स्ट जो एक्टिविटी है आपकी, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको क्या करना है, टिक मार्क करनी है, ओके। फर्स्ट जो है, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या अडॉप्टेड फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहती है, ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या अडॉप्टेड। क्या बताया था मैंने, पढ़ाया था ना चैप्टर आपको, जॉइंट फैमिली। किस पे टिक मार्क करोगे, जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट है आपका, विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी हियर या वॉक। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं कौन लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं ना, तो क्या आएगा उसमें, सी हियर या वॉक। सी फिल किया था ना, उसमें था ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है, इट डैश मेंड अवर शूज। कौन जो है हमारे शूज़ को क्या करता है, मेंड करता है, मीन्स सिलता है। कौन सिलता है, मोची ना, मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉबलर। बार्बर कौन होता है, जो हेयर्स की कटिंग करता है, प्लम्बर, फिटिंग वगैरह जो करता है, नल वगैरह की फिटिंग जो करता है। और कॉबलर कौन होता है, मोची। टिक मार्क कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है, डैश इज एन इंडोर गेम। अब तो सबको पता है ना ये इंडोर गेम कौन सा होता है, हॉकी, चेस या फुटबॉल। कौन सा है, चेस है ना, क्योंकि हॉकी और फुटबॉल तो बाहर खेले जाते हैं। टिक मार्क कीजिए चेस पे। नेक्स्ट आपका आता है, वाटरमेलन इज अ ट्री, क्रीपर या क्लाइंबर। क्या होता है उसका, जो स्टेम होता है वो वीक होता है ना, वो खुद अपराइट नहीं कर सकता ना, तो क्या है वो, क्रीपर। नेक्स्ट आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो है, अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर अवर, हमारे भाई बहन हमारे क्या कहलाते हैं, बताइए क्या लगते हैं हमारे, शिवलिंग्स। क्या लगते हैं, शिवलिंग्स। तो फिल कीजिए, एस आई बी एल आई एन जी एल, शिवलिंग्स। एक बार फिर देखिए, अवर ब्रदर एंड सिस्टर आर अवर शिवलिंग्स, एस आई बी एल आई एन जी एल, शिवलिंग्स। नेक्स्ट है, ओल्ड पीपल आर डैश पीपल। ओल्ड पीपल कैसे होते हैं, वीक पीपल होते हैं, डब्ल्यू ई ए के, वीक। फिल कीजिए, साथ में बुक फिल करते रहिए, डब्ल्यू ई ए के, वीक पीपल, क्लियर। नेक्स्ट है, वी नीड डैश टू रिलैक्स अवर बॉडी। हमें आराम के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है ना, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आराम की, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर ई एस टी, रेस्ट। नेक्स्ट है आपका, गेम्स आर प्लेड फॉर। गेम्स क्यों खेले जाते हैं, किसके लिए खेले जाते हैं, एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, ई एन जे ओ वाई एम ई एन टी, एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। फर्स्ट देखिए, टू फिलअप्स हैं आपके एक सेंटेंस में, गेम्स आर प्लेड फॉर एंजॉयमेंट, ई एन जे ओ वाई एम ई एन टी, एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, आर ई एल ए एक्स ए टी आई ओ एन, रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है आपका, डैश ग्रोज ऑन हील्स। क्या पहाड़ों पे उगाए जाते हैं, पाइन, पी आई एन ई, पाइन, ओके। नेक्स्ट आपकी आती है एक्टिविटी सी,
match the following resemblance. किससे मैच करोगे? अच्छा पहले कॉलम ए एंड कॉलम बी, क्लियर? ये आपका कॉलम बी दिया गया है, इसको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में रिसेम्बलेंस, सेकंड ब्लाइंड, थर्ड फार्मर, फोर्थ आउटडोर गेम्स, फिफ्थ जो है आपका शब्द। इसके बाद कॉलम बी में रोज, हेरिडिटी, बैडमिंटन, ग्रोज क्रॉप्स, ब्रेली स्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, इसको मैच करना है कॉलम बी से। ओके R E S E M B L A N C E resemblance, क्या होती है resemblance? असमानता। किससे मैच करोगे? हेरिडिटी, अनुवांशिकता से असमानता होती है ना। घर में प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अलग अलग होते हैं, सारे सेम थोड़ी ना होते हैं। किसी में किसी चीज़ की समानता होती है और किसी में किसी चीज़ की समानता होती है, फैमिली से मिलते जुलते ही तो होते हैं ना। चैप्टर समझाया था ना हेरिडिटी, एच ई आर ई डी आई टी वाई, हेरिडिटी। नेक्स्ट है ब्लाइंड, ब्लाइंड कौन होते हैं? बेली स्क्रिप्ट में, क्लियर? बी एल आई एन डी, ब्लाइंड, ई से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका फार्मर, किससे करोगे? ग्रो क्रॉप्स। फार्मर क्या करता है? फसलों को उगाता है, इसको फार्मर को डी से कर दो। आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन। नेक्स्ट है श्रब, रोज, श्रब है ना, रोज। ओके नेक्स्ट आपकी है एक्टिविटी डी, सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करा चुकी हूँ, क्लियर? ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट आपको होमवर्क जो है एक्टिविटी ए में आपको टू करने हैं। ओके एक तो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर? एक्टिविटी फर्स्ट में ए जो है उसमें फर्स्ट एंड थर्ड, होमवर्क साथ में नोट करते हुए जाइए। सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये फोर करने हैं, क्लियर? नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोविंग, इसको आपको बुक में ही फिल करना है। आंसर द फॉलोविंग क्वेश्चंस में आपको सेकंड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डू डिफेंडम कम्युनिकेट क्वेश्चन में आंसर, मैं इसको पहले आपको चैप्टर में करवा चुकी हूँ, सेकंड जो आपका चैप्टर है और ये आपका फिफ्थ चैप्टर का है, गिव फाइव यूजेस ऑफ प्लांट, ये भी मैं आपको फाइव यूजेस प्लांट्स के जो है वो भी करवा चुकी हूँ। ओके तो आपको कौन कौन से करने हैं एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। एक्टिविटी ए में फर्स्ट एंड थर्ड, एक्टिविटी बी में आपका फर्स्ट टू फोर्थ, चारों ही करने हैं। मैच द फॉलोविंग आपको बुक में फिल करनी है और साथ में लर्न भी करना है, सारा जितना मैंने वर्क दिया है आपको पूरी एक्टिविटी आपको लर्न भी करनी है, क्लियर? आंसर द फॉलोविंग क्वेश्चन में आपका सेकेंड और फिफ्थ है। ओके बच्चो, डू इन योर होमवर्क नोटबुक, राइट नीट एंड क्लीन एंड लर्न देम। ओके थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।